आज कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का साल पूरा हो गया है। आज कोरोना वैक्सीनेशन को एक साल पूरा हुआ। 16 जनवरी 2021 से आज ही के दिन शुरू हुआ था वैक्सीनेशन अभियान। तो आज पूरा एक साल पूरा हो चुका है कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को शुरू हुए। 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था वैक्सीनेशन का ये पूरा अभियान। अब तक 157 करोड़ टीके लगाए गए हैं। आज कोविड-19 टीकाकरण पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद दिया है। तो आज के दिन डाक टिकट जारी किया जाएगा। तो आज के दिन 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की भी शुरुआत हुई थी। 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन दिए जाने की शुरुआत की गई। उसके बाद से कोरोना टीके दिए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। 138 करोड़ की आबादी को वैक्सीन दिया जाना आसान नहीं था। आज जब कोरोना की तीसरी लहर फैली हुई है, उसमें टीकाकरण गंभीर बीमारी को रोकने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। देखिए, देश में टीकाकरण की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2021 को। अब तक वैक्सीन की दी जा चुकी है 157 करोड़ डोजेस। अब तक एक भी टीका नहीं लगा, ऐसी आबादी है 8%। साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि अब तक दोनों टीके नहीं लगे, ऐसी आबादी भारत में है 31%। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन अब भी 31% आबादी ऐसी है जिन्हें दोनों टीके नहीं लगे हैं। ये आंकड़े हम 15 प्लस में बता रहे हैं जिनको टीका दिए जाने की शुरुआत फिलहाल हो चुकी है। चलिए, तो हम वैक्सीनेशन किस तरीके से पूरा अभियान आगे बढ़ा है वो ग्राफिक्स जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़ों की अगर रफ्तार की बात की जाए तो वैक्सीनेशन की रफ्तार हम देख लें तो देखिएगा कि कैसे भारत की वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है। बताते हैं आपको, 0 से 50 करोड़ डोजेज जो लगाई गई उनमें 203 दिन लगे। 50 से 100 करोड़ डोजेज 75 दिन लगे। 100 से 150 करोड़ डोजेस 82 दिन इसमें लगे। और अब जरा देखें कि कैसे भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में शामिल है। दुनिया के विकसित देशों की तुलना करके अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए, भारत बनाम ब्रिटेन की तुलना अगर करें तो ब्रिटेन में कुल वैक्सीनेशन हुआ है 13 करोड़ 61 लाख, जबकि भारत ने पिछले 19 दिन में टीके लगाए 14 करोड़ 15 लाख से ज्यादा। यानी जितना ब्रिटेन ने पूरे साल में टीके लगाए हैं, भारत ने उतने टीके सिर्फ 19 दिन में लगाए। इसी तरीके से दुनिया की महाशक्ति अमेरिका से तुलना अगर भारत की करें तो अमेरिका में क्या है कुल आंकड़े, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अमेरिका में कुल वैक्सीनेशन हुआ है 52 करोड़ 56 लाख, जबकि भारत में कुल वैक्सीनेशन 156 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। यानी भारत अमेरिका से 3 गुना वैक्सीनेशन अब तक लगा चुका है। ABP News, आपको रखे आगे।